बसमिल्लर मेरे महतरम साम आज जो मैं आपकी खिदमत में शर्य मसला जिक्र करूँगा वो एक बहन ने पूछा है कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं सास ससर और देवर हमारी ये फैमिली सिर्फ तीन लोगों पर मुश्तमिल है और बज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि घर में सिर्फ देवर और मैं ही होते हैं और फिर पूछती हैं कि क्या हमारे लिए इस तरह रहना जायज है कि देवर अलग कमरे में रहे और मैं अलग कमरे में मेरे मोहतरम साम इस शर्यी मसला का जवाब खूब तवज्जो से समात फरमा लीजिए इस तरह रहना तो जायज है लेकिन सिर्फ देवर और भाभी का अकेला रहना ये गैरत के भी खिलाफ है शर्मो हया के भी खिलाफ़ है और ये फितनों का जरिया भी है और देवर के साथ अकेले रहना इसमें तोहमत का भी कवि अंदेशा मौजूद है जबकि आप ने फरमाया, तोहमत की जगहों से भी बचो इत मवाज़ तोहमा मजीद ये कि एक कमरे में तन्हाई इख्तियार करना ये तो बिल्कुल नाजायज़ है लेकिन अगर घर छोटा हो ये भी एक किस्म की तन्हाई ही कहलाएगी हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में हुक्म दिया कि कोई भी शख्स किसी औरत के साथ यानी गैर महरम के साथ तनहई इख्तियार ना करे अगर घर बड़ा है कमरे दूर दूर हैं वो एक अलग बात है लेकिन यहाँ भी एहतियात की बहुत ज़रूरत है खासकर कर जबकि देवर और भाभी अकेले हों लेकिन अगर घर छोटा है और कमरे करीब करीब हैं तो ये भी तनहाई की एक शक्ल है और तन्हाई में दाखिल है और हज़रत नबी पाक अलैहि वसल्लम ने ना महरम के साथ तन अख्तियार करना मना फरमाया है अब यहाँ एक और मसला समझें अगर भाभी बहुत बूढ़ी हैं और देवर साहब का भी यही हाल है और फितने का डर भी नहीं है और तोहमत का अंदेशा भी नहीं है तो फिर किसी सूरत में इनका अकेला रहना गुंजाइश है किसी कदर गुंजाइश मौजूद है रह सकते हैं लेकिन अगर घर बहुत छोटा है और घर में कोई नहीं है तो जी आप समझना भाभी अकेली है तो ये गैरत हया और शरीयत का भी यही तकाजा है कि अगर भाभी अकेली है घर में और देवर ऊपर से आता है तो वो खुद ही बाहर चला जाए या जा देवर पहले से घर में मौजूद था भाभी कहीं से आई तो देवर साहब को चाहिए कि वो खुद ही घर से निकल जाए ऐसी सूरत इख्तियार कर ले बहर हाल मेरे मोहतरम सामीन इस गुरबत के ज़माने में जहाँ अक्सर लोगों के घर बहुत छोटे छोटे होते हैं ऐसे घरों में ऐसे लोगों के लिए खुद ही अपनी गुजर बसर के लिए ऐसे इंतजाम करने चाहिए जिनमें बिल्कुल शरीयत की खिलाफ वर्जी ना हो इन अजीज़ इसके बदले अल्लाह हरबुल्ज़त हमारे लिए दुनिया में भी खुले घरों का इंतज़ाम फरमाएंगे और जन्नत के खुले घर तो कहीं गए ही नहीं अल्लाह मुझे आपको अमल करने की तोफ़ीकता फरमाए बस आज थोड़ी सी बज़ाहिर तकलीफ़ है लेकिन इसका बदला हमारे अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है